पिछले दिनों एक वरासत को लेकर वकील और लेखपालों के बीच हुए विवाद में लेखपाल संघ बैकफुट पर आ गया है। इस मामले को लेकर लेखपालों ने शनिवार को तहसील भवन स्थित सभागार में बैठक भी की। बैठक में लेखपालों ने अधिवक्ताओं को क्लीन चिट देते हुए गलत तरीके से वरासत कराने वाले कानूनगों के निलंबन की मांग पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। बैठक में तय हुआ कि अगर 30 दिसंबर तक दोषी कानूनगों को निलंबित नहीं किया गया तो संघ वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष नीलकंठधर दुबे, उपाध्यक्ष राम केवल सिंह, मंत्री जगदीश, कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश सिंह सहित जनपद के सभी तहसीलों के लेखपाल उपस्थित रहे। हमारे संस्था की ये परंपरा है कि हम पहले ही वंदना करते हैं। उस घटना के बारे में हम लोग आज बजे रात तक नहीं जान पाए कि किस बिंदु को लेकर के घटना हुआ, क्योंकि कल जो सिचुएशन पैदा हो गया था, हमारे जो साथी जो प्रभावित थे वो अपना मोबाइल भी चार्ज करके कहीं छुपे हुए थे। शायद अगर वो छुपे नहीं रहे कोई भी अपनी घटना घटने की प्रबल संभावना थी। उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कल का सिचुएशन था उस सिचुएशन में हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता कर थे उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला, क्योंकि उस मास को हटाने के लिए उस समय मात्र 4 से 5 ही लोग थे। उस समय हम थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे तहसील खजरी के 2 साथी थे, धनंजय जी थे और एक विश्वजीत साई जी थे। बहुत अथक प्रयास और ये मशक्कत आधे घंटे तक। उस बीच मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे तहसील के मुखिया जूम कर लो माननीय तहसीलदार साहब आए और उन्होंने जब सिचुएशन देखा तो साथियों वहां सांत्वना देने के बजाय वो नीचे चले आए, जबकि उनको खड़ा होकर के हमारे अधिवक्ता घर को समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, हमारा सहयोग करना चाहिए था। हमारा जो भी साथी था वहां कोई विवाद के उद्देश्य से नहीं था, सारे मेरे साथी जो भी थे वो मात्र इस झगड़े को शांत कराने के रूप में खड़े थे। इसी चीज को मधुबन सिंह कानो ने बात का बतंगड़ बनाया और हमारे उस वरिष्ठ अधिवक्ता साथी को समझाने का कोशिश नहीं किया। शायद वो हमारे साथी को समझाए होते तो इतना बड़ा विवाद लेखपाल और अधिवक्ता संवर्ग में नहीं होता। बहुत सी अंदरूनी बातें हैं अभी मैं आपको शेयर करूंगा। इस बीच में लेकिन हमारे कानपुर साहब ने दुर्भाग्य पर उस अधिवक्ता महोदय से बात करके कहा मेरे लेखपाल कि आप जाओ बयान कर दो। ये सारे विवाद का जल हमारे राजस्व निरीक्षक माननीय मधुमन सिंह जब मीटिंग होता है तो बातें करते हैं इसे जैसे लगता है कि अब आसमान में जैसे तारा चमकता है मात्र एक तारा है, उसी तरह हमारे तहसील सदन में अगर कोई चमकता है तो एक कालू है, वह है मधुमन सिंह। इस पूरे विवाद के जल ना ही अधिवक्ता का दोष है ना ही मेरे साथी का दोष है, सारा दोष अगर है तो राजस्व निरीक्षक प्रतिमा सिंह का किया जाए, जो भी किया जाए
नहीं है, वो कम है। मेरे साथियों के साथ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है उनके साथ जो भी कार्रवाई किया जाए वो कम है। और इतना ही नहीं, वो बेईमान यहां सामने मिला, जब मैंने उससे बात किया तो कहा मैं अभी अधिवक्ता से बात कर रहा हूं। एक मैं छोटा सा बात हम लोगों ने कहा, ये